कर ली है, मुकदमा भी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है, हर दिन 23 से 25,000 केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतना कहना चाहता हूं, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं, उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। ये जो चल रहा है वो तो बड़ा अनाकलनीय है, उनको जो इंक्वायरी करनी है वो करती रहे, जो करना है वो करे, इससे पहले मुंह पे गिरे, बार बार मुंह पे गिरेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, अभी जो कंगना का इश्यू है उससे इम्पोर्टेंट इश्यू ये कोरोना का इश्यू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। के लिए पहले सुशांत राजपूत और फिर बाद में कंगना रनौत के मुद्दे को उठाया गया, और कंगना रनौत बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बीजेपी की लाइन में बोल रहे। देखिए भैया, कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई में आना चाहिए, आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए, पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती, मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते, इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? देवेंद्र जी, कंगना रनौत प्रकरणी आता कंगना रनौत स्वतः भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्यासारखे आरोप म्हणतात की ही झाडासारखी सेना नाही तर सोन्याची सेना आहे, असं एक भाजपचं सारखं वक्तव्य करणं हे कसं करतंय? भाजपचा संबंधच काय याच्यामध्ये? उलट काल कंगना रनौतच्या आईचा इंटरव्ह्यू पाहत होतो, त्यांच्या आईने सांगितलं की आमचा परिवार काँग्रेसी, आमचे म्हणजे कंगनाचे आजोबा काँग्रेसचे काहीतरी नेते होते असं त्यांच्या आईने सांगितलं। आणि म्हणाले, अशा परिस्थितीमध्ये आमची अपेक्षा होती की सोनियाजींनी एका महिलेच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे, काँग्रेसने उभं राहिलं पाहिजे, ते राहिले नाही, माझ्या पोरीला मारायचा प्रयत्न आला, त्यास अमित शहांनी तिला त्या ठिकाणी सुरक्षा दिली। त्या भारतीय जनता पक्षाचा संबंध कुठे येतो? स्वतः मुखासारखं वागायचं, स्वतः बेड्यासारखं वागायचं, आणि मग प्रत्येक गोष्ट भारतीय जनता पक्षाच्या नावावर लावायची। शिवसेनेमध्ये दोन विचारधारा दिसतात, संजय राऊत एक वेगळे आपले, सुशांत चालू तर मुख्यमंत्री वेगळे, मुख्यमंत्री आपण काही गोष्ट करणार, संजय राऊत मात्र फार आक्रमक होता। जिस तरह से रिया का ड्रग को लेकर वीडियो आ रहे हैं, पूरी ड्रग ले रही है और उसके एलसीबी जांच हो रही है, जेल में भी है, आज उसकी जमानत पर अर्जी भी है। अपने पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो भी इससे है जुड़े हुए ड्रग से, इसकी जांच होनी चाहिए और उन सभी, चाहे जितने भी बड़े लोग हों, उन सबको कार्रवाई हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एनसीबी पूरी जांच कर रही है, एनसीबी का जांच का दायरा तो पूरा खुला दायरा है, जो भी चीजें उनके सामने आएगी उस पर वो कार्रवाई करेंगे। अभी चूंकि ये सारा मामला कोर्ट में चला, इस पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारा ड्रग का मसला सामने आ रहा है, वंस फॉर ऑल इसको समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए।